नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है करियर बिट किस फैमिली में। इस वीडियो में मैं उत्तर प्रदेश में डीएलएड 2017 बैच के फोर्थ सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन प्रश्न पत्र को हल करने जा रहा हूँ, जो कि दिनांक 15 नवंबर 2019 को पूछा गया था। इसके पहले कि सभी प्रश्न पत्र के वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को कम्प्लीट देखने के बाद से अगर आप चाहें तो उन सभी प्रश्न पत्र के पेपर को भी देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। पहला प्रश्न पूछा गया था 1857 की क्रांति के लिए तिथि निश्चित की गई। ऑप्शन नंबर 2 31 मई 1857 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 2 था ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था। ऑप्शन नंबर 3 राजा राम मोहन राय सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 3 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन नंबर 2 ब्योमेश चंद्र बनर्जी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया था चौरी चौरा कांड हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 गोरखपुर सही उत्तर होगा। पांचवा प्रश्न पूछा गया था फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 सुभाष चंद्र बोस इसका सही उत्तर हो जाएगा। छठा प्रश्न था धन निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ऑप्शन नंबर 1 दादा भाई नौरोजी सही उत्तर होगा। सातवां प्रश्न था भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन सही उत्तर होगा। आठवां प्रश्न था उत्तर प्रदेश कितने मंडल में विभाजित है। ऑप्शन नंबर 1 18 मंडल सही होगा। नौवां प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है। ऑप्शन नंबर 3 मूंग इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था चारकुला प्रमुख लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर 2 ब्रिजभूमि सही उत्तर है। 11वां प्रश्न था कैगा परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र भारत के किस प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 कर्नाटक इसका सही उत्तर हो जाएगा। 12वां प्रश्न था विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, यहां पर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सभी गलत हैं, चारों ऑप्शन गलत हैं। इसका सही उत्तर होगा 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। तो दोस्तों, इसमें आपने कोई भी ऑप्शन लगाया होगा तो आपको एक नंबर जरूर मिल जाएगा, क्योंकि यह प्रश्न ही गलत था। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। ऑप्शन नंबर 2 गौतम बुद्ध नगर। 14वां प्रश्न पूछा गया था भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रीय राजमार्ग 7 इसका सही उत्तर होगा। 15वां प्रश्न था योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 2015 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, बात कर लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की। 16वां प्रश्न पूछा गया था रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विवेकानंद जी ने। 17वां प्रश्न पूछा गया था गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया। तो 1920 इसका सही उत्तर होगा। 18वां प्रश्न था स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे, यह कथन किसका है। तो पंडित बाल गंगाधर तिलक इसका सही उत्तर हो जाएगा। 19वां प्रश्न पूछा गया था होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो इसका सही उत्तर होगा एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता थे। 20वां प्रश्न पूछा गया था भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो यह बम्बई से स्टार्ट हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। 21वां प्रश्न था प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई। 1951 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 22वां प्रश्न था भारत में चांदी मुख्यतः किस प्रदेश में पाई जाती है। इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। 23वां प्रश्न था सुलह कुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। इसका सही उत्तर होगा आगरा। 24वां प्रश्न था उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सारस। 25वां प्रश्न था विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26वां प्रश्न था आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। उत्तर हो जाएगा प्रथम। 27वां प्रश्न था सूचना का अधिकार भारत में किस वर्ष लागू किया था। 2005 में आरटीआई एक्ट लागू किया था। 28वां प्रश्न था उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। इसका सही उत्तर होगा ललितपुर। 29वां प्रश्न था भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा भारत का राज्य अग्रणी है। तमिलनाडु इसका सही उत्तर हो जाएगा। 30वां प्रश्न था लिंगानुपात से क्या तात्पर्य है।
तो प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का जो अनुपात होता है उसे लिंगानुपात के नाम से जानते हैं। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।